हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम आज बुशमैन जनजाति के बारे में नेक्स्ट कड़ी में पढ़ने जा रहे हैं। आर्थिक क्रियाकलाप अपन पढ़ रहे थे और उनमें पहला एक आखेट के रूप में पढ़ने पढ़ा था। किसके रूप में पढ़ा था? एक आखेट के रूप में पढ़ा था। और आखेट में ये केवल भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं और आखेट का कार्य करते हैं। वो अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। भाला है, बर्छा है, तीर कमान है, फंदे लटका कर है, दलदल भूमि में धंसा कर है। इनका इस प्रकार से कहने वाला विष पिलाकर है। कई प्रकार की विधियों से ये क्या है, शिकार करते हैं, जिनके कारण से ये अपना जीवन गुजारा चलाते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट जो कड़ी है उसके अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं इनके भोजन के रूप में। आखेट के बाद में अपने नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का जो पढ़ने जा रहे हैं वो भोजन है। और भोजन के अंतर्गत अपन ने देखा है कि ये सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खाते हैं। सबसे रोचक तथ्य ये है, अफ्रीका महाद्वीप में बेचुआना लैंड, कालाहारी मरुस्थल, इस क्षेत्र में जो निवास करने वाली जो जनजाति है वो है बुशमैन जनजाति। और वो भोजन के रूप में सर्वभक्षी का कार्य करते हैं। सर्वभक्षी का मतलब सब कुछ खाते हैं। और इनके अंदर है, ये खाते भी ज्यादा हैं। आदि भेड़ अकेला व्यक्ति खा जाता है, इतना ज्यादा ये खाने के होते हैं। तो हाँ, देखो इनमें भोजन है, भोजन के रूप में ये सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खाते हैं। कीड़े हैं, मकोड़े हैं, दीमक है, मछली है, शहद है, शिकार करके हैं, भेड़ है, जो भी कुछ मिला वो सब कुछ खाते हैं। मतलब कोई शिकार ये कर लेते हैं और शिकार के अंदर उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उस तक को नहीं छोड़ते हैं ये। इस प्रकार की जनजाति है, क्योंकि खाने के लिए इनके पास में बहुत कम है भोज्य पदार्थ हैं। इसके कारण से इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाते हैं। तो देखो इनमें ये सर्वभक्षी होते हैं। कौन किस प्रकार के होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं और खाते ज्यादा हैं। बुशमैन जो जनजाति के लोग हैं वो खाते बहुत ज्यादा हैं। एक बुशमैन आदि भेड़ एक बार में खा जाता है, एक बार का भोजन। जैसे सुबह खाए, आदि भेड़ खा गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये खाते भी ज्यादा हैं और ये एक बुशमैन है, ये आदि भेड़ को खा जाता है। शिकार है, मछली है, पौधों की जड़ें हैं, बेरी है, बेर जिसको कहते हैं अपन, शहद है, इनके प्रमुख भोजन के अंग है, स्रोत। प्रमुख भोजन के स्रोत है, क्या क्या है ये? शिकार करके, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी, शहद, इनके प्रमुख क्या है, भोजन के अंग बताते हैं। इनमें दीमक है, चींटियां हैं और उनके अंडे। दीमक, चींटियां, अंडे, कीड़े मकोड़े, जो भी छोटे जीव, उनको वो खा जाते हैं। चींटियां और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ के रूप में बताते हैं। क्या क्या है? दीमक, चींटियां, कीड़े मकोड़े और अंडे इनके प्रिय भोजन बताते हैं। ये भोजन को संचित नहीं करते हैं, ये इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करते हैं, जितना आया खा लिया। क्योंकि बाद में ये जो क्षेत्र है, आपने स्टार्टिंग में अपने बात की थी कि भाई ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है। इसके अंदर आता है ये, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है। तो इसके कारण से ये यहां पर क्या है, ये भोजन खराब हो जाता है ज्यादा दिन तक। तो ये संचित रखने में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ही तो मिलता है इनको और वो खा जाते हैं पूरा। तो ये संचित करने में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण है। किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण प्रकार की जलवायु है। तो ये इनके
भोजन के रूप में, भोजन के रूप में आप क्या क्या बताओगे कि ये सर्वभक्षी होते हैं? कैसे होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं, ये खाते जाता है एक भेड़ को, ये आदि भेड़ को, सॉरी आदि भेड़ को एक व्यक्ति एक टाइम में खा जाता है। आदि भेड़ को एक व्यक्ति एक टाइम में खा जाता है। इनमें शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी, शहद इनके प्रमुख भोजन के रूप में है। दीमक है, चींटियां हैं और उनके अंडे, ये प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। ये भोजन को संचित नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय प्रकार के, इसके कारण से इस प्रकार का ये कार्य करते हैं। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वस्त्र। किसके बारे में पढ़ेंगे? वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये बुस्मैन जनजाति है, खाने की जहां समस्या हो तो वस्त्रों के बारे में कहां सोच सकते हैं अपन? जैसे मान लो अपने यहां पर बावरिया जनजाति है, ये सर्दी के समय में भी क्या है? नंगे रह सकते हैं क्योंकि इस प्रकार का वातावरण है। ये अपने आपको जलवायु के अनुकूलन की क्रिया कर लेते हैं। इसी प्रकार की इनके साथ में भी ऐसा ही है कि खाने की जहां समस्या हो वहां पर पहनने के लिए कौन इतना बाध्य करेगा? तो देखो इनमें वस्त्र है, ये बहुत कम वस्त्रों का उपयोग करते हैं, बहुत कम वस्त्र पहनते हैं ये। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, तिकोनी से एक लंगोट है वो पहनते हैं जिसकी नोक टांगों के बीच से होकर के पीछे की ओर जाती है, जैसे धोती वगैरह बांधते हैं अपने। यहाँ पर राजस्थानी कल्चर के अंतर्गत तो इसी प्रकार से ये क्या है, एक तिकोनी लंगोट सी पहनते हैं और जिसकी नोक है ये टांगों के बीच से होकर के पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटका कर पहनती है। एप्रन लटका करके पहनती है, जो औरतें पहनती है उस प्रकार की एप्रन, ये आगे और पीछे को ढक करके क्या है, एप्रन जैसे ये पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है। स्त्रियों का जो वस्त्र होता है उनमें महत्वपूर्ण जो वस्त्र होता है वो चोंगा होता है, जिसको क्रोस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? क्रोस। आपने देखा होगा, देखो अपने यहां पर है बंजारा जनजाति है, बावरिया जनजाति है, सांसी है, कंजर है, इस प्रकार की जो जनजातियां हैं उनमें आपने सड़कों पर इन पर कार्य करते हुए देखा होगा। और वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे को भी उसके अंदर लपेटे हुए रखती है और कार्य भी करती रहती है। तो इस प्रकार का एक वस्त्र होता है जिसको कहते हैं चोंगा, और ये स्थानीय भाषा में इनको कहते हैं क्रोस। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? क्रोस के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखो इनमें स्त्रियां सामने व पीछे से की ओर कमर से बांध करें चमड़े की चौकोर एप्रन लटका कर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है। स्त्रियों के जो वस्त्र होता है उनमें महत्वपूर्ण वस्त्र कौन सा होता है? चोंगा। याद करना है, ये काफी महत्वपूर्ण भी है, छोटा एक क्वेश्चन बनने जा रहा है इसके अंदर है। महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्रोस। स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है जिसको चोंगा कहते हैं और उनको स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? इसको क्रोस के नाम से जाना जाता है। यह वस्त्र है वह बिस्तरबंद दोनों ही होता है, वस्त्र भी होता है और बिस्तरबंद भी होता है। बिस्तर है जिसमें छोटे बच्चे वगैरह इनको रखने काम में आता है, या कोई कंदमूल फल वो इकट्ठा कर लिया और उसके अंदर झोली के अंदर डाल लिया, इस प्रकार का एक वस्त्र पहले से बनाया होता है। तो ये वस्त्र वह बिस्तरबंद दोनों ही प्रकार का होता है। इसी क्रम में वे अपने शिशु एवं संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। अपने शिशु को या कोई संग्रहित कोई वस्तु है उसको इकट्ठा करके उसके अंदर से लाती है, मतलब उसके अंदर रख करके ले आती है। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों को भी काम में लेते हैं। बुशमैन है ये, टोपी चमड़े की बनी हुई और जूते ये भी काम में लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोस क्या है? तो क्रोस महिलाओं का एक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है, जो वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों होते हैं, जो अपने बच्चों को या कोई संग्रहित वस्तुओं को इकट्ठा करके उसके अंदर से लाती है, उनको क्रोस कहा जाता है। किस नाम से जानेंगे उसको? क्रोस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इनमें जो नेक्स्ट जो चौथे नंबर का आता है वो आता है
आपके औजार व बर्तन, औजार व बर्तन। औजार किस प्रकार से, बाला है, बर्छा है, ठीक है, नुकीला डंडा है, अग्निदंड है, विषबुझे तीर हैं, इस प्रकार से ये उपयोग में लेते हैं और उनको काम में लिया जाता, मतलब ये मतलब शिकार की एक पद्धति अपनाते हैं और उनके माध्यम से इस प्रकार का ये कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, देखो चारों ओर से, जैसे कोई मान लो शिकार है तो उसके अंदर क्या है, खाई बना देते हैं। क्या बनाते हैं, खाई बनाते हैं, और खाई के ऊपर कुछ टहनिया वगैरह डाल करके, कुछ पत्ते वगैरह डाल लेते हैं। वो क्या करते हैं, चारों ओर से उस पशु को घेरेंगे, जो शिकार शिकार करना है उसको क्या है, चारों ओर से घेर करके उस तरफ लाते हैं, और वो क्या करते हैं, उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है और कई दिनों तक वो भोजन करते रहते हैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार का देखो, औजार व बर्तन में तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड, इनके प्रमुख औजार है। प्रमुख औजारों के अंदर क्या क्या लिखोगे आप, कि तीर कमान है, नुकीला डंडा है, भाला है, बर्छा है, वह अग्निदंड है, ये इसके प्रमुख औजार हैं। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं, विष लगा करके वो तीरों का उपयोग करते हैं ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, शिकार जो करते हैं उसमें। शुतुरमुर्ग व जिराफ के हड्डियों को घिस करके नुकीला बना करके तीर के अग्र भाग पर लगाते हैं, शुतुरमुर्ग और जिराफ, उनकी जो हड्डियां होती है उसको घिसते हैं, घिस करके वो तीखा कर लेते हैं उसको, और वो क्या करते हैं, जहां पर है, तीर बनाते हैं उसके आगे वाले मुंह पर लगा देते हैं ताकि वो कठोर हो और आसानी से क्या है, इस प्रकार से उसको छोड़ा जाए तो वो आसानी से जाकर के उसके लग जाए तो और मृत्यु हो जाए उनकी। तो देखो इनमें शुतुरमुर्गे वह जिराफ की हड्डियों को घिस करके नुकीला बनाकर तीर के अग्र भाग पर लगाते हैं, तीर कमान से 60 मीटर की दूरी पर शिकार कर सकते हैं। तीर कमान से कितने मीटर की दूरी पर, 60 मीटर की दूरी पर क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। पेड़ों के छालों से रस्से बनाते हैं, पेड़ों की जो छाल होती है उससे क्या बना लेते हैं, रस्से बना लेते हैं। इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं क्योंकि ये बहुत कम है सामान रखते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, तो इसके कारण से ये बर्तन इतना ज्यादा नहीं रखते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग है जल रखने के लिए, जल रखने के लिए एक बर्तन के रूप में शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो खाली होता है और उसके अंदर पानी भर लेते हैं और उसके वो क्या है, आभूषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये आभूषण बनाते हैं, जैसे